हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में कोई टेक्निक या कोई नहीं बताऊंगा कि जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझा पाऊं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन ग्राउंड लेवल की बात समझाऊंगा ताकि आपके मत्थे में घुस जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भैया इस्तेमाल करना कैसे है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनाई है। नंबर वन, प्रेयर। नंबर टू, कृतज्ञता। नंबर थ्री, लेट गो। क्या मतलब है मेरा? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने तो सुना है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, राइट? आस्क, बिलीव, रिसीव में जाने से पहले सबसे पहले ये तीन चीज़ जो मैंने बताई, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, कृतज्ञता और लेट में क्लियर बहुत जरूरी है। देखिए, प्रार्थना करते वक्त हम कहीं ना कहीं उस दौर में चले जाते हैं जब हम बच्चे हुआ करते थे, राइट? बच्चा बनना पड़ेगा। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बच्चा बनना पड़ेगा। प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना, वो प्रार्थना जो आपको वो बचपन की याद दिलाए, करनी कब है? कभी भी करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि सुबह में जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, काम पे जाते वक्त या घर से निकलते वक्त इसे गुनगुनाइए, ईयरफोन में डाल के सुनिए, ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या इतनी शक्ति हमें देना दाता। एन नंबर ऑफ प्रार्थनाएं हैं जो हम स्कूल में किया करते थे, बस इस प्रार्थना का करें। क्यों? क्योंकि आप परेशानी में हैं और वो ईश्वर ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाएंगे। तो कृतज्ञता, जो चीज़ नहीं है लाइफ में करंटली उसके बारे में सोच के खाली खाली महसूस करने के बजाय, जो चीज़ लाइफ में है उसके बारे में सोच के भरा भरा महसूस कीजिए। ये सबसे बड़ा राज है। क्यों? कि ये इमोशन पॉजिटिव है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं या जिंदगी में कोई भी गोल पाना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना जरूरी है। और कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड बड़ा कोई इमोशन, कोई भाव नहीं है दोस्तों। कृतज्ञता करें कैसे? टेक्निक नहीं है, ये फील करने की चीज है, महसूस करने की चीज है कि मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मेरे पास कैमरा है, मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं देख सकता हूं, मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं बोल सकता हूं, मैं कितना कृतज्ञ हूं कि प्रॉब्लम थी लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान पाया, इस वीडियो पे आ पाया, तो मैं कृतज्ञ हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। कृतज्ञता व्यक्त करनी बहुत जरूरी है। कब? दो टाइम। सबसे पहले सुबह में लिख के व्यक्त कीजिए, फिर शांति से बैठ के सोचिए क्या चीज़ें आपके पास हैं जो और लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी किसी और के लिए एक सपना हो सकती है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़, रात को सोने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना, महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, फाइनल लेट गो करना। बड़ी गलती क्या होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें लगता है पैसे के लिए ये टेक्निक कर लेता हूँ, प्यार के लिए ये कर लेता हूँ, हेल्थ के लिए ये, करियर के लिए ये। टेक्निक मत भागो, इमोशंस और भाव के पीछे भागो। उसके बाद गलती ये होती है कि हम रिजल्ट ढूंढने लग जाते हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा, मेरी एक्स, मेरी क्रश, मेरे पार्टनर का मैसेज आया नहीं आया, पापा माने या नहीं माने, तो हम भागने लग जाते हैं। तो हमें करना है लेट गो, यानी कि उस थॉट को निकाल देना है। अब थ्योरेटिकल बात तो हो गई कि ये कर देना है, लेकिन प्रैक्टिकली करना कैसे, लेट गो करेंगे कैसे आप? बहुत ईजी है। देखिए, आप इंसान हो, राइट? आप इंसान हो, पैशन आपके अंदर है। हम में और जानवरों में फ़र्क क्या है? उनमें किसी चीज़ का पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर पैशन है, हमारे अंदर हॉबी है, तो मैं चाहूँगा कि आप हॉबी डेवलप करें। मीनवाइल ये जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई हॉबी डेवलप कीजिए। म्यूजिक, रीडिंग, स्विमिंग, कोई भी एक हॉबी जो आपको रखे। तो लेट गो करना बहुत आसान है, आपको कॉन्शियसली लेट गो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, रात को सोने से पहले विजुलाइजेशन कीजिए, जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किस तरह से, प्रेजेंट में रहकर। जैसे मेरे पास वो ऑलरेडी चीज है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड से मैं शादी करना चाहता हूं तो वो मेरे पास है, उसको लेके शादी के बाद मैं हनीमून पे कहां जा रहा हूं, ये
का विजुलाइजेशन करना है। पैसे तो पैसे क्यों कमा रहा हूं, पैसे आ गए हैं तो पैसों का क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, इन चीजों को यानी कि प्रेजेंट में रह के विजुलाइज है, सो जाना है। दैट्स इट, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, बहुत ही ग्राउंड लेवल की बात थी दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है, कॉम्प्लेक्स आप बना देते हैं। यहीं पे ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।